अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, वीक टू, मैच टू, डे टू, अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय एवरीवन। गाइस बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, लेकिन ये घटिया घटिया जोन ने साथ नहीं दिया और एफएस वालों को थोड़ी सी दिक्कत होगी इस मैच में। लेकिन जो थर्ड मैच सनहा के अंदर, क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, आपकी सोच से बाहर है। स्टे ट्यून, नेक्स्ट गेम प्ले भी आ रही है। लोशे लोशे एक पप्पी तो, एक पप्पी तो के साथ कीप ऑन सपोर्टिंग एफएस वाले, जाके फ्री स्टाइल वालों को वोट करते रहो। चीता रहमान तो ऊपर पहुंच गया, ब्लैक को भी ऊपर लेके जाओ। डोंट वरी यार, यूट्यूब बैन नहीं होता, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं फॉर टाइम बीइंग, सब खैरियत होगी। चिल मारो एक पप्पी जप्पी उधर के साथ, इंजॉय करो गेम प्ले। मैं पूरी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। लेकिन भाई साहब, जो टीम सिनर्जी और बॉक्स गेमिंग का मैच हुआ ना, नेक्स्ट लेवल था। 2v4 था एंड में, क्या पहला भाई। लाइक एंड सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन प्रेस करो, एंजॉय द गेम प्ले। बॉक्स का स्क्वाड भी वो स्क्वाड है जो अभी एक तरीके से नो 17-20 वाले एरिया में, सो उनको ऊपर आना है कुछ भी करके। एंड सर्कल हमारा काइंड ऑफ आई वुड से बीटीआर को फेवर करेगा, आराम से, कोई दिक्कत इनको नहीं होगी, बिकॉज नो डाउट नीचे मिलिट्री बेस का एरिया जरूर है इस सर्कल में, बट अगर सर्कल हल्का सा भी ऊपर जाता है, दिस काइंड ऑफ द सेम सिनेरियो जो हम पहले ही बात कर रहे थे। इफ यू रिमेंबर कि सर्कल आधा नीचे रहता, आधा ऊपर रहता, तो प्लेयर्स को ये डिसाइड करना होता है कि नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे, बट अभी के लिए 60-40 तो काइंड ऑफ ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से बन जाते हैं जी। और यहाँ पे सेंटर की बात करें, बॉक्स के प्लेयर्स यहाँ पे अभी भी मौजूद है, अच्छा खासा लूट उनको मिलने वाला है। नोवा गॉड लाइक से गुजरते हुए जा रहे टीम आईएनडी के प्लेयर्स, और काफी ज्यादा डैमेज ऑलरेडी ले चुके हैं क्रैटोस, और नॉक होने के कगार पे थे, बट विल बेरली एस्केप आउट। और जैसे सर्कल्स की बात कर रहे थे, कुछ अलग ड्रॉप लोकेशंस की यहाँ पे बात कर रहे थे, तो यू लेवल अप के प्लेयर्स ने इस बार यसनाया का रास्ता चुना है। यहाँ पे यसनाया की तरफ लूट करेंगे, क्योंकि उनके जो दोनों ओपोनेंट्स हैं, रिजेक्ट स्कारलेट और टीएसएम, दोनों ही नहीं खेल रहे। बिल्कुल, और नोवा गॉड लाइक, यू कैन से दैट द बॉयज आर बैक होम, क्योंकि अभी वो पोचिंग के आसपास उतरे, अभी तक हमने उनको जॉर्जबुल के ऊपर ही उतरते हुए देखा है, लेकिन अब T1 का स्क्वाड, ऑलराइट, दैट्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम T1 साइड कि ये पोचिंग के एरिया के अंदर आए हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा यू नो ऊपर के एरिया पर उतरते हुए हमें दिखते थे, जो हमारे पास एरिया रहता था रोजॉक के एरिया के आसपास, जहां पर इनकी फाइट हमने देखी है पहले भी होती है, T1 वर्सेस वाइल्डर्स देखा है, KOG पीछे से अपने लिए फाइट निकाल दी, बट आई वुड से कि अब T1 के प्लेयर्स यहां पर उतरे, तो नोवा गॉड लाइक इनको जितनी लूट मिली उसके बाद ये लोग पीछे जा रहे हैं, शायद और एरियाज लूटेंगे, एंड मे बी, जस्ट मे बी, बाद में फाइट यहां पर ले सकते हैं। नोवा गॉड लाइक आज इनके लिए जो दिन है, कोई भी खराबी नहीं करना चाहेंगे, एंड आई वुड से कि अब ये जो स्क्वाड निकल कर आई है नोवा गॉड लाइक, पहले मैच के बाद मोमेंटम इन्होंने पकड़ लिया होगा। बिल्कुल, और नोवा गॉड लाइक के एग्जिस्टेंस का मैंने देखा था, बहुत ही अच्छा डैमेज और किल्स भी उन्होंने निकाल रखे थे, एक अच्छा कमबैक जो काफी टाइम से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो देखने को मिला, बट देन अगेन अभी हम लोग को सोचना पड़ेगा कि इज इट टू सून फॉर दैट, क्योंकि एक अच्छा मैच डज नॉट डिसाइड एवरीथिंग, तो आपको आज के पूरे दिन ब दिन कंटिन्यूस परफॉर्मेंस, कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। चिकन डिनर भले ना लो, टॉप 3 में आओ, टॉप 5 में, और अगर 6-7 किल्स अच्छी आ जाती है तो पॉइंट्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे, बट बीटीआर के जैसे बात कर रहे थे तो फर्स्ट गेम उनकी थोड़ी सी खराब रही है, फर्स्ट गेम काइंड ऑफ शेकन ऑफ स्टार्ट, देखते हैं इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहता है। बिल्कुल, और अभी ये सेकंड मैच आज के दिन का स्टार्ट हुआ है, पहला मैच टीम सीक्रेट ने जीता था, एंड ऑब्वियसली काफी बेहतरीन तरीके से नोवा गॉड लाइक का प्रदर्शन वहां पर देखने मिला। बीटीआर के लिए पहला वाला मैच थोड़ा सा अपसेट डाउन का था, ये अभी के लिए अपने आपको नीचे देख, नीचे भी नहीं, उससे इन द मिडल ऑफ द टेबल दिख रहे हैं, 5th-7 पोजीशन के आसपास बीटीआर अपने आपको देख रही है, ज्यादा ऐसा दिक्कत नहीं होंगे, बिकॉज इस वीक के पॉइंट्स एज सच, ये वाले जो वीक डेज रहते हैं इनके पॉइंट्स एज सच काउंट नहीं होते हैं, तो देखिए बाद में जब पॉइंट्स काउंट होंगे क्या होगा। एंड इफ देर आर पीपल आउट देर, विल जस्ट से वन थिंग, जो भी आप में से प्यारी ऑडियंस से मैचेस देख रहे हैं सबको, जस्ट एक बार यू नो हार्ट स्पैम कर दीजिए अपने फेवरेट टीम के नाम के साथ, बिकॉज वही चीज है, उनका सपोर्ट बहुत अच्छा निकल कर आता है जो भी हमारी ऑडियंस वहां पर रहती है जी। और यू लेवल ऑफ के प्लेयर्स काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है उनका, किल जरूर ज्यादा नहीं आ रहे, बट पोजिशन पॉइंट्स के मामले में अच्छा खासा पोजिशन निकाल रहे, बट टीम वाइल्डर्स की से बात कर रहे थे, रोजॉक पे यहाँ पे उतरे हैं, T1 उनके तरफ से एक डिसीजन हम लोग को देखने को मिला इस बार पुचिंकी में ड्रॉप लेने का, क्योंकि हमेशा यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रहे थे उनके साथ, वाइल्डर्स के साथ जब भी फाइट होता था, कभी T1 जीतती थी, कभी वाइल्डर्स जीतती थी, और फाइनली T1 ने वो जगह गिव अप कर दिया वाइल्डर्स को, और अभी T1 पुचिंकी पे उतरी, अच्छा खासा फायदा यहाँ पे, दिमाग जरूर लगाया था और प्रिडिक्ट जरूर नहीं करा था कि नोवा गॉड लाइक के प्लेयर्स आएंगे, क्योंकि अगर नोवा गॉड लाइक की इनिशियल ड्रॉप लोकेशन की बात करें हम लोग वर्ल्ड लीग के, तो वो लोग उतरते हुए नजर आए थे हम लोग को वेस्ट जॉर्जोपोल पे, बट वापस यहाँ पे उनकी घर वापसी हुई है, पुचिंग की तरफ उतरे थे, बट देन अगेन सरप्राइजेस फ्रॉम T1, और इसी के चलते उनको वहां से निकलना पड़ा जी। बिल्कुल, उन सब टीम्स को वहां से पूरा अपना एक एरियाज एंड ऑल चेंज जरूर करने पड़े, देखते किस तरीके से यहाँ पर फाइट्स एंड ऑल बनती है। मेगा स्टार्स, ऑलराइट, दिस इज वन आई वुड से अ प्रीटी गुड टीम इन वन फैक्टर, एंड द फैक्टर इज कि हाँ ये टीम यू नो चाहे ऊपर जाती है कमिश्की, चाहे नीचे नोवर अपना जाती है, ये जहां जाती
इंफिनिटी सर्कल कहीं ना कहीं से इनको फेवर एक तरीके से कर देता है. एंड दिस इज वन अमेजिंग थिंग आई वुड से अबाउट मेगास्टार्स कि इनको सर्कल में बाद में अपनी जगह बनाने में दिक्कत नहीं होती, बस फाइट्स लेनी होती है. और फाइट्स के लिए तो हमें पता है कि इनके प्लेयर्स की गन पावर्स बहुत बेहतरीन है. वैक्सी जब पीएमपीएल चल रहा था हमारा, पीएमपीएल के एक वीक के अंदर ये एमवीपी प्लेयर निकले थे. एंड आई वुड से कि जब हम बोलते हैं द पर्सन इन रेड जर्सी, वो हमेशा आउटशाइन कर रही थी बाकी सब प्लेयर्स को. एंड आई इंडिया लाइट इनकी अगर हम बात करें, इट्स लाइक यू नो वन द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स, बिकॉज लास्ट टाइम का पीएमसीओ चाहे आप देखें, पीएमसीओ स्प्रिंग में आईएनडी का नाम था, पीएमसीओ फॉल में आईएनडी का नाम था, जितने और भी टूर्नामेंट्स हैं आईएनडी का नाम वहां पर कहीं ना कहीं रहा. सो यू कैन से लाइक इस टीम के पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस एक्सपोजर है. जी हाँ, और आईएनडी की बात चल ही रही है तो ये भी एक कॉमन चीज है कि आईएनडी हर टूर्नामेंट के इनिशियल डेज पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस लो रहता है, बट जिन एंडिंग डेज की तरफ बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाते हैं. तो कल हमने देखा था इरांगल में एक अच्छा खासा मौका था टीम आईएनडी के पास चिकन डिनर निकालने का, अच्छा खासा रेजेस उन्होंने होल्ड करा था, बट फिर उनके साथ ये हो गया कि चारों तरफ से टीम्स उनके ऊपर पुश इन कर गई. ऑरेंज रॉक के साथ जुलज रहे थे, टीम सीक्रेट के साथ फाइट ले रहे थे, तो मल्टीपल फाइट्स के चलते वहां पे वो क्रश क्रम्बल डाउन हो गए थे. बट आज आई थिंक टीम आईएनडी जरूर कोशिश करेगी कि अच्छा कुछ प्रदर्शन दिखाए, क्योंकि बॉटम हाफ में चल रही थी और यहाँ पे बहुत सारी निगाहें जो है आईएनडी के ऊपर रहेंगी, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स है काफी प्रॉमिसिंग है और 420 ओपीजेस लेयर पे खेल रहे. अगर ऐसे ही खेलते गए तो वर्ल्ड लीग में आगे चलते चलते आईएनडी काफी अच्छे पॉइंट्स बतौर सकती है. बिल्कुल, अभी हमने नो चांस के प्लेयर्स को देखा, अगर आप आपका एरिया देख पा रहे, बॉक्स के प्लेयर्स, स्टीवन के प्लेयर्स, नो चांस के प्लेयर्स, सिनर्जी के प्लेयर्स, पीछे से सब प्लेयर्स एक क्लस्टर के अंदर यू नो एक तरीके से इकट्ठे हो रहे अगर हम वाइडर पिक्चर की बात करें. बट खैर, नो चांस के प्लेयर्स को देखा तो नो चांस की ये बात आती है, देखिए ये यू नो सेकंड चार्ट पर है ओवरऑल स्टैंडिंग्स में, बट गॉडलेस अपने आपको टॉप फाइव में देखते हैं ओवरऑल डैमेज डीलर्स एंड एवरीथिंग. सो यही चीज आता है, एक टीम गॉडलेस के इर्द गिर्द अभी भी घूम रही है. टीम का अपना इंडिविजुअल गेम प्ले अगर निकलता है गॉडलेस के साथ, आई वुड से ये टीम एक बेस्ट टीम बन सकती है. बस सारी टीम को इकट्ठे कंपोज होकर खेलना है. ऑन द अदर साइड टी1, ऑलराइट टी1 ने अपने गेम्स जो पहला गेम था वो नहीं खेला था ऑब्वियसली बिकॉज दे वर नॉट इन दैट इक्वेशन, वो उस ग्रुप के अंदर थे जो हमारा ग्रुप ई था. बट अभी ये जो वापस आए इनको बैक टू बैक चारों गेम्स खेलने हैं, सो इनके लिए गेम्स कैसे बनेंगे वो भी मैं जरूर देखना चाहूंगा. चलिए एक आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं. हमने देखा है नो चांस के गॉडलेस जैसे बोल रहे आप, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका अपने टीम्स के लिए अकेले वो किल्स निकाल रहे, बट क्या आपको लगता है कि अगर वर्ल्ड लीग के बाद से दैट की नो चांस यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, क्या लगता है आपको कोई और रोस्टर इनको पिक ऑफ कर लेगी? क्योंकि एक इंडिविजुअल प्लेयर के दायरे में अगर उनको नापा जाए तो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर्स है और किल्स इनकी बहुत अच्छी रहती है, हेडशॉट परसेंटेज इनके बहुत अच्छे, तो एक उनका एम जो है एम पावर इज कंप्लीटली ऑन पॉइंट. बिल्कुल, कोई ना कोई रोस्टर अगर ऐसा होता है, बिकॉज द थिंग इज अब उस प्लेयर को भी इफ ही नोज हिज पोटेंशियल तो उस प्लेयर को भी अपना यू नो एक वाइडर एक्सपोजर देखना पड़ेगा कि मैं और किस टीम के साथ अपना बेस्ट दे सकता हूँ. हाँ, देर आर अदर टीम्स आउट देर. आई स्टिल रिमेंबर जिस राउंड से ही खेले थे, जिस रीजन से ही खेले थे, वहां पर टीम ग्रेविटी थी. टीम ग्रेविटी ने पहले दिन दे ऑब्लिटरेटेड द कॉम्पिटिशन. टीम ग्रेविटी वॉज एन इंप्रेसिव टीम जिस तरीके से वो आई थी. सो अगर ये टीम ग्रेविटी के साथ होता, बिकॉज टीम ग्रेविटी में सिनिस्टर थे, इफ आई रिमेंबर देयर वाज अ प्लेयर नोन एज सिनिस्टर, सो दोज प्लेयर्स वर शोकेसिंग एन इंप्रेसिव अमाउंट ऑफ टैलेंट विद देमसेल्व्स. नो डाउट, नो चांस उनके ऊपर आई जरूर. बट अगर ये उस टीम के साथ जाते हैं, कोई और टीम अगर ऐसे आती है, दैट्स जस्ट एन एग्जांपल आउट देयर, बट अगर कोई और टीम ऐसे आती है जिसको जिसके साथ इनकी सिनर्जी बैठती है इन वन सेंस, एंड दैट इज के एक एग्रेशन वाला सेम यू नो सेम लेवल पे सिनर्जी मैच हो जाती है, देन प्रोबेबली यस प्रोबेबली जरूर. बट और एक चीज भी आ जाती है, लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि अगर नो चांस की बात करें तो यहां पे काइंड ऑफ मंगोलिया से तो उनकी लैंग्वेज अलग है और बाकी टीम्स के जो रीजनल लैंग्वेजेस अलग रहते हैं. बट यहां पे जैसे सर्कल की बात करें, यहां पे सर्कल अगेन हाइब्रिड बनता हुआ, ऊपर के तरफ भी कुछ हिस्से है और नीचे के तरफ भी कुछ हिस्से है, सारे टीम्स को भी रोटेशन जरूर देना पड़ेगा, बट बीटीआर ने एक बहुत अच्छी पोजीशन ले रखी है. गेम शुरू होते ही बोल दिया सर्कल नीचे की तरफ को जाएगा तो क्या सिचुएशन होगी वो यहाँ पर हो रही है. बट जैसे आपने लैंग्वेज की बात बोली, दिस इज वन थिंग आई लाइक अबाउट दिस गेम. सबको पता है कि एनिमी से हेड के तो मतलब प्लेयर वहां पर है, देयर इज नो नीड ऑफ दैट लैंग्वेज आउट इन दिस वन. आप सीधा बोलोगे एनिमी से हेड मतलब प्लेयर वहां पर है, हर कोई चाहे चारों प्लेयर्स वहीं जाएंगे, उनको समझने की जरूरत नहीं है, दैट्स दैट्स जस्ट आउट देयर. और अगर फर्स्ट एड लगानी है सबको पता है, उनको खुद को फर्स्ट एड लगानी पड़ेगी, सो दे विल गो फॉर इट. एनीवेज, और नोवा गॉडलाइक के प्लेयर्स यहाँ पे टी1 को आई थिंक किसी भी क्षण स्पॉट कर सकते हैं, और ऑलरेडी आज इनका एक जो दिन की शुरुआत हुई काफी अच्छी हुई और इसी के साथ उसको बरकरार रखने की कंप्लीट कोशिश यहाँ पे चल रही है. नोवा गॉडलाइक के प्लेयर्स ने यहाँ पे टी1 के प्लेयर्स को स्पॉट आउट कर दिया, और टी1 का ये जो डिसीजन है बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल होने वाला है, क्योंकि पानी की तरफ से अगर जाते हो तो काफी टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि बहुत सारे टीम शोर कैंपिंग करती है, बीटीआर यूजुअली रहती है, बट बीटीआर फिलहाल आज ब्रिज कैंपिंग पे अड़ी रहेगी. बट टी1 के प्लेयर्स क्या उस तरफ पहुंच सकते हैं? अगर पहुंचते भी है क्या जिंदा रह सकते हैं?
प्रोबेबली बिकॉज उधर और भी टीम्स तैयार रहेंगे अपनी फाइट्स निकालने के लिए, फाइट्स बनाने के लिए. देखते हैं किस तरीके से फाइट्स बनती हैं यहाँ पर सब चीजों के अंदर, और क्या क्या चीजें यहाँ पर होती हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पर बनता है. बट आप देखिए एग्जिस्टेंस ठीक है, और सेडन माइट जस्ट गो डाउन. हस्तर यहाँ पर, हस्तर एग्जिस्टेंस एक ही प्लेयर को स्पॉट करके यहाँ पर शॉट नहीं कोशिश कर रहे. सेडन गोज डाउन, एक ग्रीन स्मोक जरूर यहाँ पर आता देखेगा. एंड दैट इज वन थिंग दैट गोज टू हस्तर इन दिस वन. M16 का काफी बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर दिखाते हुए, अब मिसाइल भी बचे हुए एग्जिस्टेंस. दे आर नॉट जस्ट यू नो, दे आर नॉट जस्ट पिनिंग देम डाउन, दे आर पनिशिंग दोस प्लेयर्स. यस, और मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ कि कब ये T1 के प्लेयर्स जो है शोर की तरफ पहुंचे, क्योंकि अगर आप आपके सारे बुलेट्स यहीं पे खत्म कर दोगे तो फाइनल फाइट्स के लिए आपके पास बचेगी नहीं. क्योंकि इसके बाद अगर आप एक स्क्वाड वाइप करते भी हो तो बहुत कम प्रोबेबिलिटीज ऐसे होती कि आप लूट कर सकते हो. तो यहाँ पे नोवा गॉडलाइक को अपनी वेपनरी भी देखनी पड़ेगी, उनके पास कितनी एमिनेशन है, और उसके हिसाब से यहाँ पे फाइट्स लेना पड़ेगा. और जो कि एग्जिस्टेंस यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे जब भी उनका बॉडी एक्सपोज हो रहा है तभी उनके ऊपर शॉट दे रहे हैं. ऑलमोस्ट यहाँ पे मिसाइल को पिक ऑफ कर दिया है, ऑलमोस्ट मिसाइल किल बहुत लो, एंड ही गोज डाउन एज वेल. 13 मोर डैमेज डन बाय एग्जिस्टेंस, एंड यहाँ पर एग्जिस्टेंस के पास इनका किल आता है. सो हस्तर और एग्जिस्टेंस की जोड़ी ने यहाँ पर एक एक किल अपने लिए इंडिविजुअल ले लिया, दो किल्स मिलाकर के ऑब्वियसली उन्होंने नोवा गॉडलाइक के लिए ले लिए. तो नोवा गॉडलाइक के पास जो अभी तक 64 से 62 है, जो फर्स्ट ब्लड निकला है वो नोवा गॉडलाइक के पास आया. सो इट काइंड ऑफ शोकेसेस के हाँ, नोवा गॉडलाइक एक अलग तरीके से देख रहे हैं इस गेम को, इस हफ्ते को प्रोबेबली, और वो चीज वो खोना नहीं चाहेंगे, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ द थिंग दैट देयर फैंस आल्सो वांटेड फ्रॉम देमसेल्व्स एंड दिस इज व्हाट दे आर गेटिंग. वही उनको मिल भी रहा है, और आशा करेंगे कि ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो फॉर्म इन्होंने पकड़ी है थ्रू आउट द वर्ल्ड लीग जारी रखे. मॉर्फ के प्लेयर्स यहाँ पे अच्छे खासे कंपाउंड में जरूर मौजूद है, बट वैल्डस के प्लेयर्स यहाँ पे अभी भी उनको स्पॉट आउट कर चुके. किसी भी क्षण यहाँ पे नो मर्सी के ऊपर शॉट जा सकते हैं. बट एक चीज मैं जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वैल्डस और टीम सीक्रेट की जो DMR गेम है वो हमेशा से ऑन पॉइंट रही है. Exactly. वो चीज आपने सही बताई. एंड वेल्डस आई वुड से दैट्स वन ऑफ दोस टीम्स दैट यू नो रुकने का नाम नहीं लेती अपने गेम प्लेस दिखाते दिखाते, एंड वो थकते नहीं है अच्छे गेम प्लेस निकालते हुए. इट्स जस्ट वन थिंग दैट जस्ट अमेजेस मी. ऑलराइट, अगर आप सिनर्जी के सीरवी को देखें, वो जा रहे हैं नीचे के एरिया से काफी अच्छे तरीके से, रोटेशन सिनर्जी ने लगाई, लेकिन सर्कल इनसे दूर जा चुका है. एंड ये सर्कल T1 को बहुत अच्छा फेवर कर रहा है, बस इनके पास मैन एडवांटेज नहीं है. बट द सर्कल इज अमेजिंग, दिस इज वेयर RRQ एट द चिकन डिनर. और अगर T1 की बात कर रहे हैं तो टीम INDY को कैसे भूल सकते हैं, वो भी यहाँ पे सर्दन साइड पे मौजूद है. और हमको भी याद है कि अगर टीम INDY के पास सर्कल रहता है तो वो क्या कहर बरसा सकती है. नो चांस के प्लेयर्स को यहाँ पे ब्लॉक ऑफ जरूर करके रखेगी. BTR के लक्सी यहाँ से हटने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू डू गैंग के प्लेयर्स इनके काफी करीब आ चुके हैं. किसी भी मोमेंट यहाँ पे उनके बीच में फाइट चल सकता है. लक्सी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, और चौकोनॉट ने वहां पे वाल्डस के आर्म जॉन को नॉक करके फिनिश कर दिया. मुश्किलें यहाँ पर बहुत ज्यादा बन जाएंगी उस प्लेयर के लिए. देखना पड़ेगा किस तरीके से ये सब फाइट्स इन ऑल बनती है यहाँ पर, जिस तरीके से फाइट्स निकल कर आती है और क्या क्या चीजें होती है. खैर, BTR के प्लेयर्स लक्सी यहाँ पर कोशिश कर रहे, लेकिन ऑरेंज जॉन के गिल ने नोवा गॉडलाइक के स्मोकी को पिक ऑफ किया है. मवी ने हस्तर को पिक ऑफ कर लिया है. वीरू ने हस्तर को फिनिश ऑफ भी कर दिया इन फाइट्स के अंदर. यूडू के प्लेयर्स BTR के अगेंस्ट अभी भी उस कोल्ड वॉर में लगे हुए जो अभी तक शुरुआत पे नहीं आया 13 मिनटों में हमारे पास अभी. एंड कार्मा is what is out there. आप देखिए सेम एरिया पर वो प्लेयर्स है, सेम एरिया पर ये प्लेयर्स है. दिस इज 6 मिनट पहले यहीं पर एक अलग हिस्ट्री नोवा गॉडलाइक ने स्टार्ट करी थी. अब ऑरेंज शॉक यहां पर है. दिस इज व्हाट हिस्ट्री इज, दिस इज व्हाट टाइम ट्रैवल इज, दिस इज वन थिंग दैट्स हैपनिंग. टाइम ट्रैवल, सी दीस आर फ्रॉम फ्यूचर, दैट वाज फ्रॉम द पास्ट. ओह माय, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स. Bootstrap, कुछ भी ओशन यहाँ पे, कुछ भी. बट यहाँ पे ऑरेंज रॉक के मवी अच्छा खासा पोजीशन इन्होंने फायदा उठाया. बट यस, गॉडलाइक के यहाँ पे क्वेश्चनेबल चॉइसेस, क्योंकि सर्कल जो है सर्दिन साइड पे ट्रांजिशन कर गया और नोवा गॉडलाइक के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे थे. पानी का रास्ता इन्होंने लिया, बट जैसे बोलते द हंटर बिकम्स द हंटेड, और वही उनके साथ अभी हो चुका है. ऑरेंज रॉक के वीरू ने यहाँ पे यू लेवल अप के विंटर पे एक शानदार हेडशॉट मारा है, बट कंप्लीटली उनको एलिमिनेट करने में तब सक्षम नहीं थे, बट अब हो चुके हैं. काफी अच्छे तरीके से नॉक जो निकाला यहाँ पर वीरू ने, एंड फिनिश ऑफ भी कर दिया. विंटर को अगर आप देखें पीछे इस एरिया पर, वो है डाउन जरूर उनको किया था, बट रिवाइवल के लिए यू लेवल के प्लेयर्स तैयार रहेंगे. BTR के लक्सी वहां पर जरूर है. FS के प्लेयर्स आगे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें FS के प्लेयर्स यहाँ पर आना उनके लिए गलत डिसीजन हो सकता है. काशिफ भी डाउन हो चुके. फ्री स्टाइल इज इन द रॉन्ग डिसीजन राइट नाउ. मलिक काफी ऊपर के एरिया से जा जरूर रहे हैं, बट उनके लिए ये डिसीजन भी मुश्किल वाला हो सकता है. ऑफ डेस्क पिकअप हो चुके हैं वाइल्डस के प्लेयर्स के द्वारा. ये है ब्रिज के आसपास की फाइट, एंड हमें पता है BTR कितने आराम से ये फाइट लेना जानती है. पैन लेकर आगे जरूर आए थे, बट उससे पहले फ्री स्टाइल का एलिमिनेशन यहाँ पर KOG के कंसेप्ट के द्वारा होता है. यूडू के मैन पर आप देखिए गाड़ी में बैठ जरूर चुके हैं, बट KOG के प्लेयर्स तैयार हैं.
जी हाँ, और केओजी के सूप यहाँ पे स्प्रेड आउट करते हुए, बट बीटीआर के राइजर ने यहाँ पे यूडू के ड्रैक्स को बहुत ही ऑफ गार्ड पोजीशन में पकड़ा। यहाँ पे यूडू के मैन परांग और फ्रीडॉल पानी के अंदर कूद चुके, बट फ्रीडॉल इसी के साथ एलिमिनेट भी हो जाएंगे, बहुत ही लो एचपी पे बचे थे, बट कैन मैन परांग मेक इट टू द सेफ्टी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और इसी के साथ बीटीआर के प्लेयर्स के पास एक अच्छा ओपनिंग क्रिएट हो चुका है, अच्छा खासा यहाँ पे पेशेंस हम लोग को देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है बीटीआर के प्लेयर्स के द्वारा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए यहाँ पे सर्कल के बाहर जरूर रहे थे, बट इसी के साथ टीम आई इंडिया अपना कहर बरसाती हुई, वाल्डिस के प्लेयर्स को भी यहाँ पे इन्होंने नॉक और फिनिश भी कर रखा है, अच्छा खासा यहाँ पे ब्रिज कैंप सेटअप उनके तरफ से हम लोग को देखने को मिल रहा है। और देखना पड़ेगा कि गॉडार्ड क्या करते, क्या यहाँ से, क्या लगता है आपको, क्या कूद जाएंगे? I would say कि ये हो सकता है, बट ही स्पॉट्स वन प्लेयर, स्लेयर डाउन हो चुके हैं, यहाँ पर फिनिश ऑफ भी करना चाहेंगे, काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बट स्लेयर अपने हिसाब से कवर में आ चुके थे तो उनके लिए वो कवर सही भी हो सकता है अगर रिवाइवल का चांस है, बिकॉज गॉडार्ड को भी एक रिवाइवल देना पड़ेगा इस पूरी सिचुएशन में। मेगा पैराडॉक्स पिकअप हो चुके हैं, 42 लोग बचते हैं यहाँ पर, 14 टीम्स हमारे पास बचती है, T1 के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बन चुकी है, बिकॉज मेगा स्टार्स इस फाइट को अपने हाथ में लेना जरूर चाहती है। यॉन्शन की हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, एनकोर उनसे फाइट ले सकते हैं, बाकी प्लेयर्स अगर फाइट ना लेना चाहते तो वाइल्डनेस ऑन द अदर एंड एलिमिनेट हो चुकी है इन सरप्राइजिंग turn of events, but आप देखिए T1 की Yonjun, he is surviving, cannot actually pick up his health right now, उनको first aid लगानी चाहिए, and yes that's what he is doing, but Yonjun के सामने Vexika अगर grenade जाता and the grenade does some damage, Yonjun will be taken out, grenade goes right and Yonjun, he might be healing but he won't be healing anymore। जी हाँ, और इसी के साथ T1 के जो आखिरी प्लेयर थे Yonjun, वो भी यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे, BTR के प्लेयर्स भी यहाँ पे जोन के शिकार हो रहे हैं, मॉर्फ के Zabrol यहाँ पे टीम IND के 3 प्लेयर्स को स्पॉट आउट कर चुके हैं, MJ यहाँ पे सर्कल के द्वारा फिनिश ऑफ हो जाएंगे, टीम IND के स्नैक्स ने एक अच्छा खासा रिट्रीट यहाँ पे दिखाया और पीछे की तरफ आ चुके, इनको भी अभी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। अगर सर्कल की बात करें तो मेगा स्टार्स के पास एक बहुत ही शानदार पोजिशन है जहाँ से वो डिफेंड कर सकते हैं, बॉक्स के प्लेयर्स भी वहीं पर मौजूद है, बट ये देखिए यहाँ पे टीम IND के 420 बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए, अच्छा खासा यहाँ पे डैमेज जरूर दिया था, पीछे से इनके प्लेयर्स ने नॉक करा था, बट एज लॉन्ग एज यू गेट द किल्स डन, आई डू नथिंग टू स्कॉफ अबाउट। आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट ब्रिज कैंप इनिशिएशन जो यहाँ पर हमें अभी तक देखने को मिली है वो यहाँ पर टीम IND ने जरूर करी थी, और उसका इन्होंने एक तरीके से फायदा भी उन्होंने अपने लिए पूरा लिया, गॉडार्ड वहां पर गिर गया था और उनके लिए मुश्किलें बात हो गई, बट दिस टाइम वंस अगेन ऑलराइट, दिस टाइम इट्स ऑरेंज रॉक्स टर्न एज यू कैन सी, जस्ट लाइक आई वाज सेइंग एंड व्हेन यू वर सेइंग कुछ भी, दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज बहुत कुछ राइट नाउ जिस तरीके से हो रहा है, आप देखिए मॉर्फ के प्लेयर्स बैठे हुए, अब पानी यहां पर जीवन नहीं देने वाली चीज बन चुकी है, बिकॉज इफ यू आर कमिंग थ्रू वाटर एरियाज मुश्किलें बहुत बढ़ रही है। थर्ड टीम सेम एरिया, थर्ड टीम सेम एरिया, और ऑरेंज रॉक इस बार यहाँ पे शॉट्स ले जा रही है और मॉर्फ के प्लेयर्स यहाँ पे डैमेज डिश आउट कर रहे हैं, बट जेक्सी को स्पॉट आउट कर दिया गया, कहीं और से उनके ऊपर शॉट्स पड़ी थी, पैन पे जाके गोलियां लग रही है, वीरू काफी लो एचपी पे, बट स्काउट यहाँ पे एक शानदार नॉक निकालते हुए रेंसकी की तरफ, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नॉक, पानी से निकले, इंस्टेंट शॉट लिया, मवी भी यहाँ पे जेक्सी को नॉक करते हुए, दिस इज ऑरेंज रॉक, कार्मा डज नॉट वर्क फॉर देम अपेरेंटली, दे जस्ट वर्क विद देयर गन्स, वो यहाँ पर दिख रहा है, मॉफ के प्लेयर्स दिख रहे हैं, ऑरेंज रॉक वाज लाइक कि एक बार हम अगर हम लैंड पर आ गए, विल शो यू व्हाट इट्स ऑल अबाउट, एंड यस उन्होंने शुरुआत जरूर करी, मॉफ के प्लेयर्स आगे मूव जरूर कर रहे हैं, पीछे नो चांस के गॉडलेस भी आ रहे हैं, Zabrol यहाँ पर देखना चाहेंगे अगर वो फाइट्स अपने लिए निकालना चाहें, लेकिन मुश्किलें इनके लिए बन सकती है कि नो मर्सी काफी आगे जा चुके, अगर वो नॉक हो जाते हैं तो और मुश्किल हो सकती है, बट वो जा रहे हैं आगे अपने प्लेयर्स को रिवाइवल देने के लिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग, सर्कल आप देखिए पीछे, बट देयर इज वन प्लेयर यू लेवल अप के विंटर, वो अभी भी पीछे से आ रहे हैं, आई वुड से कि उनको सर्कल के पास, और देखना पड़ेगा कि मेगास्टार्स इस गेम में किस प्रकार डिफेंड कर रही है, सिनर्जी के प्लेयर्स भी एक अच्छे खासे पोजीशन में मौजूद है, एक अच्छा खासा हाई ग्राउंड हिल एडवांटेज है, देखना पड़ेगा वो उसका कैसे फायदा उठाती है, बट टीम IND के प्लेयर्स ने यहाँ पे मॉर्फ के प्लेयर्स को स्पॉट जरूर कर रखा है, और मॉर्फ के लिए यहाँ पे दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स अच्छा खासा स्मोक पाथिंग इन्होंने बना रखा है, देखना पड़ेगा नोवा गॉडलाइक के प्लेयर्स की तरफ अगर वो पुशिंग करना चाहे तो, बट लोकी ने यहाँ पे वो शान पे एक शॉट जरूर ले लिया, इसी के साथ उनका पोजीशन जो है वो भी लोकी को पता चल चुका, बट ये सबसे बेहतरीन चीज है जो अवेयरनेस आपके रहती है, क्योंकि एक साइड पे आप फोकस नहीं हो, और बट रॉयल्स की नॉकिंग डाउन टीम IND स्लेयर, और फाइनली लोकी यहाँ पे यू लेवल अप के होश वन को फिनिश ऑफ करेंगे, इसी के साथ यू लेवल अप फिनिश होती हुई, यू लेवल अप का एलिमिनेशन यहाँ पे देखने मिलता है, लेकिन साथ के साथ लोकी ने अपना ध्यान पूरा यहाँ पर टिकाया स्काउट के ऊपर, और स्काउट को भी डाउन जरूर किया, लेकिन अब देखना पड़ेगा बाकी फाइट्स के साथ, स्काउट की हेल्थ थोड़ी सी कम हो चुकी है, मुश्किल
मुश्किलें उनके लिए बढ़ जाएंगी। नो चांस के गॉडलेस भी पिक ऑफ हो चुके, उसी के साथ साथ नो चांस के लिए यहां पर मुश्किलें बढ़ जाती है। ऑरेंज चौक इज लेफ्ट थ्री मैन अलाइव, बट उनके लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लुइस टेक्स टू प्लेयर्स डाउन, गिल इज सर्वाइविंग। इफ गिल गोस डाउन, दिस इज गोना बी अ रॉन्ग डिसीजन। मवी की हेल्थ बहुत ज्यादा कम थी, ही गोस डाउन एज वेल। ऑरेंज चौक का एलिमिनेशन यहां पर देखने को मिलता हुआ, 8 टीमें बचती है, 22 लोग जीवित यहां पर इन पूरी सिचुएशंस में। आईएनडी के स्लेयर भी वहां पर पिक ऑफ हो चुके हैं। जी हां, वहां पे पिक ऑफ भी हो चुके हैं, बट आईएनडी के अभी भी प्लेयर्स जिंदा है। मेगास्टार्स के अभी भी पूरी स्क्वाड मौजूद है, बट बॉक्स के प्लेयर्स ने एक अच्छा खासा पोजीशन ले रखा है। हाई ग्राउंड एडवांटेज जरूर है, बट उससे भी ज्यादा हाई ग्राउंड एडवांटेज यहां पे सिनर्जी के प्लेयर्स के पास है। और गैलेक्सी रेसर्स के सेल्स के प्लेयर्स को एलिमिनेट करते हुए बॉक्स के लोकी आज बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं, स्पेशली विद हिज M16। अभी फाइनली उनको एक ड्रॉप का वेपन भी जरूर मिल जाएगा, M249। तो क्या लगता है वो उठाएंगे? I think he is not in the mood of poetry right now, जिस तरीके से वो आगे जा चुके हैं। और is he? No, he isn't. But उन्हें बताया जरूर होगा किसने किसी को कि यहाँ पर M249 मिलेगी। But क्या अगर आप देखें आगे मॉफ के प्लेस के लिए मुश्किल यहाँ पर हो सकती है, बट बॉक्स के लुई को पिक ऑफ किया है सिनर्जी के जिक्सो ने। सिनर्जी फाइटिंग इक्वेशन में आ रही है, बट जस्ट थिंक अबाउट इट, बॉक्स के प्लेयर्स ने एक शोर पकड़ा और उस शोर पर उनको 8 किल्स भी मिले। आगे चल के और भी किल्स निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्मोक जरूर डाल रखा है लुइस को यहाँ पे रिवाइव करने की कोशिश, बट जिस बात की मैं पुष्टि कर रहा था, सिनर्जी के प्लेयर्स यहाँ पे एक अच्छा खासा हाई ग्राउंड एडवांटेज उनके पास है। मेगास्टार्स के साथ भी फाइट ले सकते हैं, अच्छा खासा स्प्रेड भी दिखा सकते हैं। देखना यही रहेगा कि सर्कल जो जाती है छठा सर्कल, वो किसके फेवर में होती है। नोवा गॉडलाइक के वंपायर अभी भी जिंदा है, ये एक बहुत बड़ी खबर है नोवा गॉडलाइक के प्लेयर्स के लिए। टॉप 8 में एटलीस्ट अपना जगह बना चुके हैं। वंपायर ने यहाँ पे जैबरोल को नॉक भी कर रखा है, रेंसकी को भी यहाँ पे स्वैग ने नॉक कर रखा है। मॉर्फ के प्लेयर्स काफी ज्यादा मुसीबतों में फंस चुके हैं, क्योंकि और एक प्लेयर भी यहाँ पे नॉक हो जाएगा। नो मर्सी आखिरी बचे, बॉक्स के लोकी यहाँ पे M16 के द्वारा अपनी कहर बरसाते हुए सिनर्जी के प्लेयर्स यहाँ पे पुश इन कर चुके हैं ऑन मेगास्टार्स। नोवा गॉडलाइक के प्लेयर को सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, अपने लिए प्लेसमेंट पॉइंट निकालना है यहाँ पर, उसकी वो कोशिश कर रहे हैं। मेगास्टार्स है, आप देखिए सिनर्जी के प्लेयर्स को गेट कीप करते हुए वो लोग बैठे रहेंगे। सिनर्जी के सीवी को आगे मूव जरूर करना है, इनके पास लेवल 2 हेलमेट रहेगा, लेवल 3 बेस्ट रहने वाली है। फाइट्स निकालने के लिए अपने सामने स्मोक करेंगे ताकि आगे मूवमेंट दे सके, और मेगास्टार्स उस घर को अभी भी अपना घर बनाकर रखने वाली है। आप देखिए सामने स्पॉटेड हो चुके हैं, Sirvi is spotted by Swag. He is trying to spray out in that direction. ये इनकी buggy बहुत ज़्यादा critical health में हो चुकी है। एक spray और जाएगा तो इनकी buggy will be taken down and वही चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। BTR के players पीछे जाना चाहते हैं, box के players एक grenade बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। box के against ही grenade last time Ultron ने किया था, but इस बार ये BTR के लिए grenade हो सकता है, but it was falling a bad shot in this one. Let's see अब BTR के players कैसे इस fight को अंजाम देते हैं। BTR के प्लेयर्स ने एक अच्छा खासा स्मोक पाथ जरूर बना रखा है, कंफ्यूजिंग स्मोक पाथ है, क्योंकि डबल लेड यहाँ पे पाथ देखने को मिल रही है, तो ये इससे पोजीशन यहाँ पे नापना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बट सिनर्जी के श्राइडर ने यहाँ पे मेगास्टार्स के ऑन कोर को नॉक कर दिया। वैक्सी काफी ज्यादा डैमेज ले चुके, सिनर्जी के जिक्स पुश इन कर चुके बहुत लो HP पे। वैक्सी ने ऑन कोर को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया, और इसी के साथ आई थिंक मेगास्टार्स की स्क्वाड भी हो चुकी है वाइप। और सिनर्जी के प्लेयर्स यहाँ पे 2 किल जरूर निकाले, मेगास्टार्स ने अपने ही प्लेयर्स की हत्या कर दी। यहाँ पे बन के उबर चुके हैं मेगास्टार्स के प्लेयर्स, 6 टीम बचती है, 14 लोग जीवित। BTR के प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो चुकी है। प्लेयर के लिए फैक्ट से राइजन कैन नॉट इवन हील, गोस डाउन बाय द जोन, डस नॉट गिव एनी किल, बट नोवा गॉडलाइक के वैम्पायर वहां पर आईएनडी 420 को पिक ऑफ जरूर कर चुके हैं। नोवा गॉडलाइक के प्लेयर्स अभी भी फाइट में, सीरवी गोस डाउन बाय हिमसेल्फ। यहां पर सिनर्जी को एक झटका लग सकता है, बट देखिए किस तरीके से फाइट बन रही है। 5 टीमें जीवित, सिनर्जी के प्लेयर्स इसके अंदर तैयार है फाइट लेने के लिए, आईएनडी के प्लेयर्स तैयार है, बाकी जो टीम्स हमारे पास रहेंगी उनको जरूर आगे जाना है कुछ भी करके अपने लिए फाइट्स निकाल। लेकिन बॉक्स के पास सितारे चमक रहे हैं, उनको पोएट्री नहीं चाहिए, उनको कविता नहीं लिखनी चाहिए, M249 नहीं चाहिए। M16 के साथ जो कमाल आज दिखा रहे हैं वो बहुत ही शानदार है। और लुइस यहाँ पे नोवा गॉडलाइक के काफी करीब आ चुके हैं, वंपायर वहां पे मौजूद है। देखना पड़ेगा कि वंपायर उनको फर्स्ट स्पॉट करते हैं, यानी एक अच्छा खासा मौका बॉक्स के प्लेयर्स के पास, एक अच्छा 3-1 स्प्लिट उनके तरफ से देखने को मिला। क्रेटोस यहाँ पे हील बैटल की तरफ चूज करते हुए, बट मॉर्फ के इकलौते प्लेयर काफी टाइम से जुलझ रहे थे, बहुत सारे फाइट्स में एंगेज थे, बट अभी भी जिंदा है। बट क्रेटोस इसी के साथ एलिमिनेट होते हुए बॉक्स के प्लेयर्स कहर बरसाते हुए। दिस वॉज अ गुड ग्रेनेड, बट थोड़ा सा आगे जो एरिया से वहां पर रहेगा, यानी कि लुइस को लोकेशन जरूर पता है कि उनके सामने नोवा गॉडलाइक के प्लेयर वहां पर बैठे हुए वैम्पायर, एंड ही गोस डाउन बाय नो मर्सी फ्रॉम मॉर्फ। दैट वाज अमेजिंग, बट अब बचती हैं 3 टीमें। अगर हम देखें यहां पर 4 vs 3 vs 1 का सिनेरियो, और जो सर्कल है किसी के भी पास यहां पर नहीं है। छठा जोन, अगले 40 सेकंड के अंदर ये जोन फिनिश ऑफ होना शुरू हो जाएगा। मॉर्फ के अकेले प्लेयर बचे, उनको अपने लिए पोजिशन निकालनी है, इफ नॉट फर्स्ट देन सेकंड पोजिशन पर जरूर आना चाहिए।
वेट करेंगे कब सिन्हा जी की फाइट बॉक्स से हो और वो बीच में फायदा उठाएं। जी और बॉक्स के प्लेयर्स अभी भी सर्कल के अंदर मौजूद है। सिन्हा जी के प्लेयर्स ने आप पे पाथिंग जरूर बना रखी है, इनको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। बट बॉक्स के प्लेयर्स हाई ग्राउंड का अच्छा खासा फायदा उठा चुके हैं, ऑलरेडी वेट कर रहे सिन्हा जी के प्लेयर्स का आने का। और लोकी आज जिस प्रकार M16 के साथ खेल रहे, आई एम प्रीटी मच श्योर और एक दो नॉक जरूर निकालेंगे। नो मर्सी के बिल्कुल सामने मौजूद थे लोकी, बट नो मर्सी ने यहाँ पे शॉट्स नहीं निकाला है अभी तक, अपना पोजीशन उनके ऊपर नहीं दे रहे। और इसी के साथ सिनर्जी के टेड अपने गाड़ी के साथ पुश करते हुए ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोजिंग कर चुके हैं, बट क्या एक नॉक निकाल पाएंगे। टुडे इज अ डे ऑफ कमबैक्स, पहला मैच नोवा गॉट लाइक अ कमबैक। बॉक्स के प्लेयर्स भी अपने आप को नीचे बॉटम टेबल में देख रहे थे, उन्होंने 13 किल्स निकाल लिए यहाँ पर, 14th किल उनके सामने। टेड की फॉर्म में रहने वाला है, बॉक्स के ब्रेक जरूर आगे जाना चाहिए। सिक्स को भी स्पॉट कर लिया, कैन टेक हिम डाउन, वन इंप्रेसिव स्प्रे, ही जस्ट सर्वाइव्ड ऑन 10 एचपी आउट इन दिस वन। राइडर एज वेल पे मैं यहां पर कोशिश करेंगे 600 के लिए, क्योंकि 600 के लिए बहुत ज्यादा कम है। 600 को आप देखिए इज बेयरली ब्रीदिंग आउट इन दिस वन। गाड़ियों को यहां पर ब्लास्ट करने की पूरी कोशिश करी जा रही है, बॉक्स के पास पूरा गेम आ सकता है। सिनर्जी के प्लस मुश्किल में बच सकते हैं। टेड गोस डाउन बाय बॉक्स ब्रेक, बॉक्स के पास 14 किल्स हो चुके हैं। यहां पर 600 अपने लेफ्ट हैंड साइड पर स्मोक कर रहे ताकि वो अपने आप को बचा सके। ब्रेक यहां पर अपने आप को स्मोक के अंदर लेकर के आगे जाना चाहेंगे। स्ट्राइडर आगे मूव करना चाहेंगे, 600 की हेल्थ फिर से कम हो सकती है, बट ही वॉज बेयरली सेफ इन दिस वन। यस, और अभी भी नो मर्सी जिंदा है, देखना पड़ेगा। ब्रेक के ऊपर एक ग्रेनेड आता हुआ, सिनर्जी के दो प्लेयर्स यहाँ पे जीवित है। यहाँ पे बॉक्स के पिमे को रिवाइव भी देना पड़ेगा और लोकी आई थिंक कोशिश कर रहे हैं उनको पहले कवर में आने के लिए दे रहे हैं, बट अभी भी बॉक्स के प्लेयर्स के पास एडवांटेज है, हाई ग्राउंड है उनके पास। नो मर्सी किस चरण निकलेंगे ये का देखना पड़ेगा। और लुइस को इस बात का आइडिया भी है, एक अंदाजा भी है कि एक और प्लेयर जिंदा है सिनर्जी के। श्राइडर अभी भी ग्रेनेड को करते हुए यहाँ पे फेंक तो जरूर चुके हैं, बट ब्रेक के ऊपर बिल्कुल नहीं लगता हुआ, डैमेज हल्का सा ही हुआ है। एनर्जी ड्रिंक्स बूस्टर जरूर लगाना चाहेंगे, बट बॉक्स के लोकी अभी भी यहाँ पे रेंग रहे सिनर्जी के प्लेयर्स को, ऑलमोस्ट पेन डाउन कर रखा है। श्राइडर और जिक्सो के क्षण यहाँ पे मूवमेंट लेके बहुत ही एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे मूवमेंट आ चुका है, देखते हैं आगे क्या होता है। नो मर्सी अपने लिए हील बैटल करना शुरू कर चुके हैं, सो ये फाइट पूरी बॉक्स और सिनर्जी के बीच में आ जाती है। नो मर्सी गोस डाउन, अब बचते हैं ये हमारे पास 4 vs 2 एंड सिनर्जी नीड्स अ मिरेकल। क्या जिक्सो और श्राइडर वो मिरेकल निकाल कर दे सकते हैं? बॉक्स पे धीरे धीरे आगे जा जरूर रहे हैं, अगले 35 सेकंड के अंदर सर्कल आगे आ सकते हैं। श्राइडर को स्पॉट जरूर कर लिया उन्होंने, बट अभी के लिए शॉट्स नहीं दिए। अब शॉट्स दिए, श्राइडर की हेल्थ फिर से कम हो चुकी है, यहाँ पर श्राइडर की हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। ब्रेक, ही नोज द एग्जैक्ट लोकेशन, अब थ्रोएबल्स का भी गेम हो सकता है। जिक्सो भी पीछे की तरफ बैठे हैं, बॉक्स लोकी इस बार सामने स्पॉट करेंगे जिक्सो को, ट्राई किया थोड़े शॉट्स निकल, लेवल 3 हेलमेट और वेस्ट उठा लिया उन्होंने, गन अभी तक कोई स्विच नहीं करी। आई थिंक इट डज नॉट नीड एनी गन राइट नाउ बिकॉज उनको फाइट अपनी गन्स पर भरोसा रखकर पूरी की पूरी देना चाहते हैं यहाँ पर। एंड ही स्पॉट्स वंस अगेन द प्लेयर, दिस टाइम ही हैज एन ऑग इन हिज हैंड्स, द लग्जरियस वेपन। क्या एक लग्जरी चिकन डिनर बॉक्स के पास आ सकता है? बिकॉज ये टीम 70-28 की पोजीशन पर थी, अपने आप में बहुत अच्छे किल्स निकाल सकते हैं। 4 टाइप का स्प्रे रहेगा, लेकिन जिक्सो भी स्पॉट करने की कोशिश कर जरूर रहे हैं अभी तक, सबको पता है प्लेस का है, बट दिस टाइम AKM के टैप्स यहाँ पर जिक्सो के लिए मुश्किल बन सकते थे। Yes, और बन चुका भी है क्योंकि यहाँ पे जिक्सो का पोजीशन जो है ऑलरेडी मिल चुका है, एक टैप के साथ मार्कर जरूर आ जाता है। और सिनर्जी के श्राइडर और जिक्सो अभी भी स्मोक के घेरे के अंदर फंसे पड़े, देखना पड़ेगा किस क्षण यहाँ पे बॉक्स के प्लेस पोजिशन करेंगे। बट जिक्सो का शानदार नॉक यहाँ पे पिमे के तरफ, और श्राइडर ने ब्रेक को नॉक कर दिया, ब्रेक को इंस्टेंटली फिनिश करते हुए मोमेंटम सिनर्जी ने अपने हाथों पे निकाल रखा है। लोकी यहाँ पे अभी भी जिंदा है, यूजी के द्वारा स्प्रे करने की कोशिश, बट श्राइडर ने यहाँ पे लुइस को भी नॉक कर दिया। दिस इज एब्सोल्यूट मेयहम, यहाँ पर लोकी अकेले बचे, श्राइडर की हेल्प कम है। जो फाइट एक टाइम पर 2v4 लग रही थी, 1v2 हो चुकी है। लोकी कैन ही टेक दिस फाइट आउट, बट उससे पहले सिनर्जी के प्लेयर्स अपने लिए पूरे किल्स उठा रहे हैं। लोकी सर्वाइविंग राइट नाउ, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है, एंड ब्लंडर क्रिएटेड बाय सिनर्जी। 2 vs 4 इंप्रेसिव चिकन डिनर। ओह माय गॉडनेस, होली मोली सिनर्जी यू ब्यूटी, क्या बेहतरीन चिकन डिनर। आई मीन एक समय पे हम लोग को लग रहा था कि आई गेस बॉक्स पोजीशन कर जाएगी एंड